कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतने ही गुड़ी 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 उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिली भगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। आखिरकार मुझे मजबूरन ये सच्चाइयां लेकर के आनी पड़ी। आप देखिए साहब, अब उनके एक महाशय ने अमेरिका में इंटरव्यू दे दिया जी, इनहेरिटेंस टैक्स, तो इनहेरिटेंस टैक्स की बात ले आए, 55% टैक्स आपकी प्रॉपर्टी। अब मैं विकास और विरासत की बात कर रहा हूँ, ये विरासत को लूटने की बात करते हैं, तो मैं और वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, और उनके आज तक का इतिहास है वो करेंगे क्या? तो फिर मेरी जिम्मेवारी, इट्स अ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं देशवासियों को बताऊं कि भाई ये इस दिशा में ले जा रहे हैं। अब आप तय कीजिए, जाना न जाना जनता जनार्दन का हक है, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि तथ्य व आधार पर, तर्क के आधार पर, उनकी हकीकतों के आधार पर मुझे बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ।